अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आफियत से होंगे। गाइस, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ जो है ना वो आपको मिल सकें। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। शॉपिंग वॉपिंग ख़त्म होगी जनाब, आज है घूमने फिरने का दिन और आज संडे है और हम लोग आए थे एटोमियम। आगे भी बहुत दफ़ा आए हुए हैं, ठीक है, ये दोनों भी बहुत दफ़ा आए हुए हैं आगे, लेकिन वैसे ही घर बोर हो रहे थे तो सोचा जो है ना एटोमियम चलें। तो अभी इधर आके थोड़ा सा घूमे फिरे हैं, लेकिन सर्दी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है और ठंड वंड जो है ना ठंड वंड के सीन की वजह से वापस गाड़ी में आ गए हैं और अभी बस ऐसे ही चक्कर लगा रहे हैं। और आज है दावत हमारी रात को, हमजा की तरफ, हमजा भाई की तरफ दावत है, उधर जाएंगे। और आज जो है ना वो इंडियन मूवी एक आ रही है टाइगर 3, आज रात को उसका जो है ना वो आज रिलीज़ हो चुकी है मेरे ख्याल से इंडिया में, यहाँ पे भी जो है ना वो आज ही लगी हुई है। आज रात को फिल्म भी देखेंगे, आपको भी उसके कुछ शॉट दिखाएंगे फिल्म के भी। तो ये रहा जनाब एटोमियम, आपको भी दिखाते हैं। ये सामने रहा बेल्जियम एटोमियम जो कि 1958 में बना हुआ है ये, और अभी तक ये स्ट्रक्चर देखें कैसा बेहतरीन जनाब कर रहा है। और आज खुला भी हुआ है, लोग ऊपर जो है ना वो जा भी रहे हैं इसके। तो लोग आते हैं यार, इंजॉय शंजॉय करते हैं, हर बंदे ने कैमरा निकाला हुआ, फोटो है फोटो है फोटो है फोटो है। लेकिन सर्दी बार जो है ना वो कमाल की है, कमाल की ठंड है आज। अभी हाफ टाइम हुआ है, हम लोग जो है ना वो मूवी देखने आए थे तो अभी हाफ टाइम हुआ है और 10 मिनट का ब्रेक है और मेरे ख्याल से गलत दरवाजे से हम लोग बाहर आ रहे हैं। मूवी टाइगर 3 अभी तक तो जितनी मतलब हाफ से पहले है, स्टोरी ठीक है, मामला ठीक है, अभी देखते हैं ये मूवी कितना का बिजनेस करती है। चलो जी अंदर। तो ये था, आज क्राउड भी काफ़ी है क्योंकि दिवाली है इंडियंस की, तो क्राउड काफ़ी है, अफगानी क्राउड काफ़ी है। और इंडियंस का जो है ना वो मसला ये है कि इंडियन जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका चूना जो है ना वो बिकता पाकिस्तान की बिस्ती करके, तो वो लगे हुए हैं इस फिल्म में भी पाकिस्तान को काफ़ी उन्होंने जो है ना वो फिल्म में भी जो है ना वो काफ़ी उन्होंने पाकिस्तान को जो है ना वो थोड़ा रिलेट करने की कोशिश की है। लेकिन खैर ये के मामलात हैं, हमारे तो है नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात अपना मुल्क है, इंसान को जो है ना वो फील तो होता है, ये चीज़ फील ज़रूर होती है कि यार ये क्या बकवासबाजी है। हम लोग यहाँ पे रहते हैं मतलब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में, इंडियन भी हमारे साथ हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे तलकात हैं इंडियन के साथ मेरे अपने, ठीक है। लेकिन ये गवर्नमेंटें मतलब इस तरह के नफरत के बीज जो है ना वो बो देती हैं जो कि सही नहीं है, जो आने वाली जनरेशनों के लिए सही नहीं है। तो काइंडली, खैर ये टॉपिक नहीं है मेरा। तो अभी जनाब हाफ टाइम है, थोड़ी देर जो है ना वो वेट करते हैं, उसके बाद जो है ना वो देखते हैं फिल्म का दोबारा बाकी क्या हिस्सा। तो 10 मिनट का ब्रेक है, 10 मिनट में वॉशरूम वॉशरूम कर गुड़ लो जी नहीं करना, तो चलें फिर बाद में आपको दिखाते हैं कि क्या, बाद में बताते हैं, रिव्यू बताते हैं ये फिल्म कितना का बिजनेस करती है, ठीक है। मुझे वैसे ना अभी तक 50-50 है, शायद ये जवान तक जाए या ना जाए, जितना बिजनेस जवान ने किया ना उस तक, और ऊपर से उसकी डंकी भी आ रही है शाहरुख खान की, फिर देखते हैं बताते हैं आपको क्या सीन है इसका। बंदे हमारे जो है ना वो सरकार बैठे हुए हैं और एक सरकार हमारे जो है ना वो ये घूम फिर रहे हैं। आपका क्या वैसे रिव्यू है इस मूवी के बारे में? नहीं नहीं, बंदा कहता नहीं मैं बताऊँगा नहीं है क्या रिव्यू है मेरा। लेकिन इंडियन का चूना जो है ना हमारी बिस्ती करके बिकता है ना पाकिस्तानियों की। फिल्म होगी ख़त्म और फिल्म के बारे में रिव्यू ये हैं कि फिल्म जो है ना अच्छी है, स्टोरी बाद में उसको कवर करने की कोशिश की गई है। और इसमें मैं आपको अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ ना तो पाकिस्तान मिलिट्री के ख़िलाफ़ बनी हुई है ये, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जो जो कोई देखेगा एग्री करता है डिसएग्री करता है ये उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन इसमें पाकिस्तान आर्मी को सही तरीके से रगड़ा गया है कि जी आर्मी में कुछ लोग ऐसे हैं, ये है वो है जो भी है। बहरहाल ये था फिल्म का जनाब असल मोटिव। और
बाकी चला, बाकी सब ऐसा ही था। तो अभी जनाब चलते हैं वापस घर पे, और बारिश भी शुरू हो गई है भाई। बाकी आपको आज नाइट व्यू दिखाते हैं एटोमियम का, बाहर चलते हैं। तो ये है अभी हम एटोमियम पे, ये देखें पीछे लाइट्स ऑन है। ये 12 बजे तक ऑन रहती हैं, 12 बजे के बाद ये बंद हो जाती हैं। और अभी बारिश भी साथ जो है ना वो शुरू हो रही है। और अभी चलते हैं अपनी गाड़ी के पास, और वहाँ से पकड़ते हैं गाड़ी और फिर चलते हैं जनाब घर। और सर्दी भी जो है ना वो टका गया, सर्दी नहीं पता नहीं सारी ने अभी पड़ जाना है। अब भाई पीछे महीने बाकी हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी उठे आई जान दे गुस्सा। तो ये था जनाब एक ओवरऑल व्यू। मूवी देख के हम लोग घर आ गए, और फिर अभी जो है ना वो सोने लगे हैं, करने के लिए है कुछ नहीं। और सुबह हम लोगों ने जो है ना वो एयरपोर्ट जाना है, क्योंकि उनकी फ्लाइट है सुबह, वो पाकिस्तान जा रहे हैं वापस। तो मुझे जाना है सुबह एयरपोर्ट छोड़ने। तो बस यही था आज, बस ये मूवी शूवी और शॉपिंग वॉपिंग चलती थी। पाँच दिन बल्कि हो गए हमको यहाँ पे, कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। और दिल थोड़ा सा जो होता है ना, जब बंदे आ रहे होते हैं ना पाकिस्तान से तो बड़ी खुशी होती है, तो जब जा रहे होते हैं तो उस टाइम अजीब सा जो है ना वो बंदा बोझल सा हो जाता है। खैर ज़िंदगी इसी का नाम है, ये चलती रहनी है, इसमें ये सारा कुछ तो आता ही है। तो चलें इस ब्लॉग को फिर इधर ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि सुबह कंटिन्यू किया है इसको। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो अगली वीडियो होगी, तो इसको कंटिन्यू कर देते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, और दुआएं आप लोगों के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके लिए आसानियां पैदा करें, और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको आसानियां बांटने की तौफीक भी नसीब करें। होती है नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।